नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी छोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मिथिला विश्वविद्यालय में कोरोना की दोबारा दस्तक। स्नातकोत्तर विभाग के एक शिक्षक अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ हुए पॉजिटिव। दरभंगा में एम्स को मंजूरी, 1,264 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। एम्स को मंजूरी मिलने पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया खुशी का इजहार। एम्स की स्वीकृति पर भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बालिंदु झा बालाजी ने जताई खुशी, कहा आज का दिन है बड़ा। पैनोरमा बिल्डर्स की लापरवाही से उजड़ रहा है एक सम्मानित नागरिक का आसियाना, न्याय की गुहार लगाकर थक चुकी है रूबी झा। बाढ़ एवं निर्वाचन को लेकर की गई बैठक। 772 बूथों पर लगाए जा सकते हैं महिला मतदान कर्मी। अभ्यर्थियों को देना होगा सोशल मीडिया अकाउंट नंबर। जीविका दीदियों ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर मतदाताओं को किया जागरूक। दरभंगा जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जाहिद रजा ने पार्टी अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, कहा पार्टी की गिरती साख के प्रति हूँ चिंतित। पिछले दिनों बाढ़ के दौरान शव जलाने के लिए ऊंचा स्थान नहीं मिलने पर चिंतित हुए समाज ने लिया संकल्प, किया मुक्तिधाम निर्माण कार्य शुरू। संस्कृत विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार ने संभाला कार्यभार, कहा पहले शिक्षक हूं, फिर हूं कुल सचिव। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा छात्रा इकाई द्वारा MRM कॉलेज में चलाया गया सदस्यता अभियान। और समाचार विस्तार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कोरोना की दोबारा दस्तक। स्नातकोत्तर विभाग के एक शिक्षक अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ हुए पॉजिटिव। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग के शिक्षक कोरोना पॉजिटिव। पटना में हुई जांच, उनके साथ उनके परिवार के 5 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आज से 4 दिन पूर्व विभाग में PhD मौखिकी परीक्षा में वे सम्मिलित थे। इनमें कई शिक्षक, शोधार्थी, छात्र, कर्मचारी एवं परीक्षक उपस्थित थे। उन्हें हल्का बुखार एवं गले में खराश आई थी। उसके बाद वे बच्चे को लेकर नीट की परीक्षा दिलाने पटना गए थे। उन्होंने बताया है कि हम सभी पटना में अपने निवास पर स्वस्थ हैं तथा चिकित्सीय परामर्श पर होम क्वारंटाइन में हैं। दरभंगा में एम्स को मंजूरी, 1,264 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की बड़ी सौगात। दरभंगा में 1,264 करोड़ रुपए की लागत से नए एम्स के निर्माण को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दरभंगा में 1,264 करोड़ रुपए की लागत से नए एम्स की मंजूरी दी गई है। इस अस्पताल का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य को, खासकर उत्तर बिहार को, बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दरभंगा में 1,264 करोड़ रुपए की लागत से नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस अस्पताल का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत किया जाएगा। उत्तर बिहार के लोग लंबे समय से दरभंगा में एम्स की मांग कर रहे थे और समझिए तो पूरे बिहार और आसपास के कई इलाके और नेपाल तक के मरीजों को इससे बड़ा फायदा होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने दरभंगा एम्स के लिए डायरेक्टर के एक पद के सृजन को भी मंजूरी दी है, जिनका मूल वेतन 2,25,000 रुपए फिक्स और NPA
दोनों मिलाकर 2,37,500 रुपए तय किए गए हैं। 1,264 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अस्पताल का निर्माण कार्य 48 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह समय योजना को मंजूरी मिलने के साथ ही शुरू हो जाएगी। इस एम्स में बेड की संख्या 750 होगी, MBBS की 100 सीटें होंगी और नर्सिंग के सीटों की संख्या 60 होगी। तो यह बड़ी खबर है, जहां दरभंगा में एम्स को केंद्रीय कैबिनेट से मिली है मंजूरी। 1,264 करोड़ रुपए की लागत से होगा इसका निर्माण। एम्स को मंजूरी मिलने पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया खुशी का इजहार। एम्स को मंजूरी मिलने पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के दिल्ली स्थित आवास पर खुशी का हुआ इजहार। एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर दी गई शुभकामना। एम्स की स्वीकृति पर भाजपा युवा मोर्चा दरभंगा के जिलाध्यक्ष बालेंदु झा बाला जी ने जताई खुशी, कहा आज का दिन है बड़ा। एम्स की स्वीकृति पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के दरभंगा जिलाध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी ने जताई खुशी, कहा आज पूरे उत्तर बिहार और मिथिला के लिए है बड़ा दिन। जी आज संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के लिए, उत्तर बिहार के पूरे क्षेत्र के लिए, यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ सटे हुए देश नेपाल और बगल के राज्य बंगाल तक के लोगों के लिए बहुत बड़े खुशखबरी का दिन है। आज मोदी सरकार ने दरभंगा में एम्स की स्वीकृति अपने कैबिनेट से दे दी है। आज बहुत ही बड़ा दिन है हम दरभंगा वासियों के लिए। दरभंगा DMCH परिसर में एम्स की स्वीकृति के लिए आज मोदी सरकार ने जिस प्रकार मोदी कैबिनेट से इसे पास किया है, वो हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। इसके लिए, इस वरदान के लिए मैं सभी मिथिला वासियों की तरफ से, सभी युवा कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी, अश्विनी चौबे जी के साथ साथ दरभंगा के माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर को इस दरभंगा के मिलने वाले वरदान के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। पैनोरमा बिल्डर्स की लापरवाही से उजड़ रहा एक सम्मानित नागरिक का आशियाना, न्याय की गुहार लगाकर थक चुकी है रूबी झा। पैनोरमा बिल्डर्स की लापरवाही से उजड़ रहा रूबी झा का आसियाना, यह खबर पूर्णिया से है, जहां पूर्णिया शहर के खजांची थाना अंतर्गत नवरतन हाता वार्ड 21 निवासी रूबी झा पैनोरमा बिल्डर्स की लापरवाही के कारण बारिश के पानी में घर के कटाव से संबंधित खजांची थानाध्यक्ष सहित कई वरीय अधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा चुकी हैं। 2 वर्षों से हो रहे घर के नुकसान को लेकर कार्रवाई की मांग भी की है। आवेदन में बताया गया है कि घर के बगल में पैनोरमा बिल्डर्स ने 1.5 वर्ष पहले बेसमेंट निर्माण के लिए बड़ा गड्ढा खोदकर छोड़ दिया था। बारिश के कारण बेसमेंट के गड्ढे में 2 दिन पूर्व हुए बारिश का पानी जमा होने से रातों रात घर का कटाव हुआ। कटाव से 4 दीवारी भी गिर गई और मकान की नींव तक की मिट्टी को ध्वस्त कर दिया। जल जमाव के कारण मकान की नींव संरचना पर ही निश्चित रूप से कुप्रभाव पड़ रहा है और सूखने तक यह जारी रहेगा। खुदाई कार्य से लेकर घटना के पूर्व तक बिल्डर्स के लोगों को नियमानुकूल कार्य कर मकान को संभावित खतरा से बचाने के लिए आग्रह किया, पर बिल्डर्स के लोगों ने नजरअंदाज किया। इस लापरवाही की वजह से आसपास के घरों में भी कटाव का खतरा उत्पन्न हो गया है। मेरा नाम रूबी झा है, मेरे पति डॉक्टर अमरनाथ झा सरकारी अस्पताल में पोस्टेड है। ये घर मेरा है और ये जमीन जो है संजीव मिश्रा जी लिए थे। उन्होंने पिछले 2019 में ही इसमें 12 से 14 फीट के अंदाज खुदाई किया, गड्ढा कोर दिया और पिछले साल भी बरसात में इसमें 10 फीट 12 फीट पानी जमा रहा। हम कितना बार उनके ऑफिस में गए और बोले इसका कुछ उपाय कीजिए, सबका दीवार घर गिर जाएगा। और धीरे धीरे मिट्टी गिरना शुरू हो गया था। इस बार 2020 के फरवरी में ये आके नीचे प्लास्टर किया और साइड से कच्चा दीवार दिया, जो खुदाई से कहीं कम नीचे दीवार था और उसी के कारण से ये सब घटना हुई है। हम कितना बार कहे इनको कि दीवार ऊंचा कीजिए, वो भी नहीं किए, ना अपना 1 फीट जमीन ही छोड़े थे। बेसमेंट बनाने के लिए कम से कम 3 मीटर जमीन छोड़ना चाहिए, ये 1 मीटर क्या 1 फीट भी जमीन नहीं छोड़े थे। इसके बाद 9 तारीख के रात में जो बारिश हुई उसमें सारा मिट्टी चला गया, साथ साथ मेरा दीवार, आम का पेड़, मेरी बहन का घर का दीवार, बेसमेंट मेरा
मकान के नीचे से मिट्टी लेके सारा गड्ढा में गिर गया। हम लोग जो है 6 ट्रक बालू यहाँ डाले हैं। 2 दिन हमको पूरा मेहनत से बालू डलवाए हैं। अभी बोरा का दृश्य आप देख ही रहे हैं। बाढ़ एवं निर्वाचन को लेकर की गई बैठक, 772 बूथों पर लगाए जा सकते हैं महिला मतदान कर्मी, अभ्यर्थियों को देना होगा सोशल मीडिया अकाउंट नंबर। बाढ़ एवं निर्वाचन को लेकर की गई बैठक, 777 बूथ पर लगाए जा सकते हैं महिला मतदान कर्मी, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 2 बूथों पर होगी केवल महिला कर्मी, अभ्यर्थियों को देना होगा सोशल मीडिया अकाउंट नंबर। समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एनएसएम की अध्यक्षता में बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में जीआर की राशि भेजे जाने एवं बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 की तैयारी को लेकर बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि 5,56,355 बाढ़ प्रभावित परिवारों को जीआर की राशि पीएफएमएस के माध्यम से भेजी गई है। 5,02,000 लोगों के खाते में राशि जा चुकी है। शेष 56,155 लोगों के खाते में भी 1 से 2 दिनों में राशि चली जाएगी। उन्होंने कहा कि इसे ऑनलाइन अंचल बार देखा जा सकता है। उन्होंने संबंधित अंचल अधिकारियों से कहा कि प्रखंड स्तर पर यदि किसी लाभुक के छूटने का आवेदन दिया गया है तो उसकी जांच कर निष्पादन कर लिया जाए तथा एक भी आवेदन छूटने न पाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर से भी 130 आवेदन संबंधित अंचलों को भेजे गए हैं। कुछ आवेदन स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी दिए गए हैं। उन्होंने सभी संबंधित प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को 16 सितंबर को अपने अपने प्रखंड में जाकर प्राप्त आवेदनों का निष्पादन कराने, किसी एक प्रभावित पंचायत का भ्रमण करने एवं स्थानीय लोगों से इस संबंध में फीडबैक लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवटी, सिंहवाड़ा, बहादुरपुर, बहेड़ी, जाले एवं बिरौल के लिए लाभुकों के छूटने के आवेदन प्राप्त हुए हैं। खासकर अपर समाहर्ता को बहेड़ी अंचल, उप विकास आयुक्त को बहादुरपुर अंचल एवं सहायक समाहर्ता को जाले का भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 की तैयारी के संबंध में सभी कोषांग के संबंधित नोडल पदाधिकारियों से एक एक कर उनके कोषांग के लिए बनाई गई कार्य योजना एवं किए जा रहे कार्य की जानकारी ली गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस बार दरभंगा में 4,016 मतदान केंद्रों के लिए 21,000 मतदान कर्मियों की आवश्यकता होगी। जिले में 7,187 महिला कर्मियों को जोड़कर कुल 23,544 कर्मी उपलब्ध हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2-2 मतदान केंद्रों पर केवल महिला मतदान कर्मियों को नियुक्त करना है। जिले में उपलब्ध महिला कर्मियों के अनुसार 752 मतदान केंद्रों पर महिला कर्मियों को लगाया जा सकता है। उन्हें उनके विद्यालय के मतदान केंद्र पर भी लगाया जा सकता है। जिन मतदान केंद्रों पर महिला कर्मियों नियुक्ति की जाएगी वहां उनके लिए सुरक्षा एवं मूलभूत सुविधा की उपलब्धता का आकलन कर लेना होगा। जीविका दीदियों ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर मतदाताओं को किया जागरूक। जीविका दीदियों ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर मतदाताओं को किया जागरूक। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए स्वीप अभियान के अंतर्गत मतदान करने हेतु ग्रामीण स्तर पर जीविका दीदियों द्वारा व्यापक पैमाने पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। कई जीविका समूहों द्वारा मतदान के लिए शपथ ग्रहण का आयोजन तथा कई समूहों द्वारा मेहंदी रचाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी प्रकार संपूर्ण जिला में स्वीप अभियान के अंतर्गत जीविका दीदियों द्वारा ग्रामीण स्तर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाकर मतदाताओं को मतदान करने हेतु जागरूक किया जा रहा है। दरभंगा जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जाहिद रजा ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा पार्टी की गिरती साख से हूं चिंतित। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद जाहिद रजा ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा बिहार में कांग्रेस की गिरती साख के प्रति बहुत चिंतित हूं। इसके लिए मेरे बस में कोई उपाय न होने का कष्ट भी है। अपनी बातें या सुझाव आप तक पहुंचाने की इस पत्र के माध्यम से कर रहा हूं कोशिश। मैं प्रोफेसर जाहिद रजा, एक्स प्रेसिडेंट दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग, पिछले 10 सितंबर को शीर्ष नेतृत्व को कुछ बातों की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश किया और वो बात यह है कि पूरे बिहार में कांग्रेस की जो साख है वो क्या अपवाद की तरफ है या निजाम की तरफ, इसी दशा और दिशा की तरफ हमने तवज्जो दिलाने की कोशिश की। हमने उसको कहना चाहा है कि
हमारे यहाँ पदाधिकारियों की कमी नहीं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल को हो, स्टेट लेवल को हो या सेंट्रल लेवल को हो। और जहाँ तक जनता के लगाव का मामला है, जनता हमसे बहुत दूर नहीं गई है अभी, जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ। मगर तब ये है कि ये जो कड़ी है जनता और पार्टी के बीच की कड़ी है, जो हम लोग हुआ करते हैं, ये क्या है? पार्टी को चाहिए था कि इसी समीक्षा का इंतजाम हो, क्या वो लोग जो बड़े बड़े पदाधिकारी, चाहे स्टेट लेवल को हो, सेंट्रल लेवल को हो, एमएलए हो, एमपी हो या मंत्री हो, या फिर इस लाइन में अपने आप को एक नंबर पर आगे समझ रहे हो, इन लोगों का काम ब्लॉक लेवल पर क्या होता है? जनता के बीच इन्होंने कब कब संवाद किया? जनता के की जो कठिनाइयां है, जो समस्याएं है, उसके निदान के लिए क्या स्टेप लिया गया और आपसे क्या बल पड़ा पिछले 5 सालों में और कितना बल पड़ा जो आपने किया, यही बात मिला। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त, हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ, चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1,500 square feet का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। Quality education with best transport facility, all the vehicles are enabled with GPS, rich library, well equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance, regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development, no readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब, अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर, महाधमा का ऑफर, CD 110 की खरीद पर एसेसरीज फ्री, हर गाड़ी पर हेलमेट मुफ्त, बेहतरीन अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ, बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मिथिला विश्वविद्यालय में कोरोना की दोबारा दस्तक, स्नातकोत्तर विभाग के एक शिक्षक अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ हुए पॉजिटिव। दरभंगा में एम्स को मंजूरी, 1,264 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। एम्स को मंजूरी मिलने पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया खुशी का इजहार। एम्स की स्वीकृति पर भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी ने जताई खुशी, कहा आज का दिन है बड़ा। पैनोरमा बिल्डर्स की लापरवाही से उजड़ रहा है एक सम्मानित नागरिक का आसियाना, न्याय की गुहार लगाकर थक चुकी है रूबी झा। बाढ़ एवं निर्वाचन को लेकर की गई बैठक, 772 बूथों पर लगाए जा सकते हैं महिला मतदान कर्मी, अभ्यर्थियों को देना होगा सोशल मीडिया अकाउंट नंबर। जीविका दीदियों ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर मतदाताओं को किया जागरूक। दरभंगा जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जाहिद रजा ने पार्टी अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, कहा पार्टी की गिरती साख के प्रति हूँ चिंतित। पिछले दिनों बाढ़ के दौरान शव जलाने के लिए ऊंचा स्थान नहीं मिलने पर चिंतित हुए समाज ने लिया संकल्प, किया मुक्तिधाम निर्माण कार्य शुरू।
संस्कृत विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार ने संभाला कार्यभार, कहा पहले शिक्षक हूँ फिर हूँ कुल सचिव। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा छात्रा इकाई द्वारा MRM कॉलेज में चलाया गया सदस्यता अभियान। पिछले दिनों बाढ़ के दौरान शव जलाने के लिए ऊंचा स्थान नहीं मिलने पर चिंतित हुए समाज ने लिया संकल्प, किया मुक्ति धाम निर्माण कार्य प्रारंभ। पिछले दिनों दरभंगा में आई बाढ़ के दौरान दाह संस्कार के लिए कोई भी ऊंची जगह जल्द नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन दरभंगा शाखा द्वारा पोद्दार परिवार के सहयोग के रूप में शुभंकरपुर सती स्थान के पास जगह लेकर मुक्तिधाम का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इसमें सर्वप्रथम दो चूल्हे का शेडयुक्त चबूतरा, मृतक शरीर को रखने हेतु चबूतरा बनाकर सड़क से मुक्तिधाम स्थल जाने का रोड निर्माण कराया जा रहा है। तत्पश्चात पुनः दो चूल्हा का एक शेडयुक्त चबूतरा, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, बागवानी, पार्किंग, पीने के पानी की व्यवस्था आदि का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं है। मुक्तिधाम निर्माण हेतु नीरज कुमार खेड़िया को संयोजक बनाकर निर्माण कार्य करवाने का शाखा ने निर्णय लिया है। आज निर्माण कार्य की शुरुआत प्रांतीय उपाध्यक्ष संयोजक नीरज कुमार खेड़िया, शाखा अध्यक्ष नंद किशोर बोहरा, उपाध्यक्ष सत्यनारायण भरतिया, विकास पोद्दार, शाखा सचिव आत्मप्रकाश सर्राफ, कोषाध्यक्ष गोपाल खेतान, जीवज कानोडिया, गोपाल अग्रवाल आदि सदस्य के देखरेख में हुई। समाज के हर वर्ग ने इस पुनीत कार्य में सहयोग देने का आश्वासन दिया है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार ने संभाला कार्यभार, कहा पहले शिक्षक हूँ फिर रजिस्ट्रार। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में नए कुलसचिव ने संभाला कार्यभार, कहा मैं पहले शिक्षक हूँ फिर कुलसचिव। संस्कृत विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलसचिव डॉक्टर शिवा रंजन चतुर्वेदी ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। मंगलाचरण के बाद सभी पदाधिकारियों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मूल रूप से शिक्षक हूँ, इसलिए शिक्षक कहलाना ही ज़्यादा पसंद करूँगा, इसके बाद ही कुलसचिव। शिक्षक का जो दायित्व और कर्तव्य है उसे वे एकदम जीवंत रखेंगे। प्रशासनिक कार्यों में भी कोई कोताही नहीं रहेगी। मौके पर मौजूद विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों ने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि वे सहयोग में कंजूसी नहीं करेंगे। बता दें कि डॉक्टर चतुर्वेदी ने 15वें कुलसचिव के रूप में अपना योगदान दिया है। इसके पूर्व प्रभारी कुलसचिव सह PRO निशिकांत ने उन्हें फूलमाला पहनाकर उनका अभिवादन और बुके से स्वागत किया। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा छात्रा इकाई द्वारा MRM कॉलेज में चलाया गया सदस्यता अभियान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा छात्रा इकाई द्वारा MRM महाविद्यालय में सदस्यता अभियान चलाया गया। वहीं बिहार प्रदेश छात्रा प्रमुख पूजा कश्यप ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समूचे शिक्षा परिवर्तन के लिए अनवरत संघर्ष कर रही है। परिषद का यह मानना है कि हमारी नई पीढ़ी को देश के गौरवपूर्ण इतिहास का स्पष्ट ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे उनका सभी देशवासियों से अपनेपन का ऐसा नाता बने कि उनके दुख की अनुभूति से अपनी मजबूत जड़ों पर दुनिया भर का ज्ञान समेटते हुए भारत को एक आधुनिक परंतु अपनी विशिष्ट पहचान को संजोते हुए महान देश बनाने का सपना हमारी नई पीढ़ियां देखेंगी। ये जब तक के समाचार, बिदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मिथिला विश्वविद्यालय में कोरोना की दोबारा दस्तक, स्नातकोत्तर विभाग के एक शिक्षक अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ हुए पॉजिटिव। दरभंगा में एम्स को मंजूरी, 1,264 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। एम्स को मंजूरी मिलने पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया खुशी का इजहार। एम्स की स्वीकृति पर भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बालेंदु झा बालाजी ने जताई खुशी, कहा आज का दिन है बड़ा। पैनोरमा बिल्डर्स की लापरवाही से उजड़ रहा है एक सम्मानित नागरिक का आसियाना, न्याय की गुहार लगाकर थक चुकी है रूबी झा। बाढ़ एवं निर्वाचन को लेकर की गई बैठक, 772 बूथों पर लगाए जा सकते हैं महिला मतदान कर्मी, अभ्यर्थियों को देना होगा सोशल मीडिया अकाउंट नंबर। जीविका दीदियों ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर मतदाताओं को किया जागरूक। दरभंगा जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जाहिद रजा ने पार्टी अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, कहा पार्टी की गिरती साख के प्रति हूं चिंतित। पिछले दिनों बाढ़ के दौरान शव जलाने के लिए ऊंचा स्थान नहीं मिलने पर चिंतित हुए समाज ने लिया संकल्प, किया मुक्तिधाम निर्माण कार्य शुरू। संस्कृत विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार ने संभाला कार्यभार, कहा पहले शिक्षक हूँ फिर हूँ कुल सचिव। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा छात्रा इकाई द्वारा MRM कॉलेज में चलाया गया सदस्यता अभियान।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।